बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, किसकी लापरवाही थी, कहां चूक हुई, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। बालासोर में हुई इस ट्रेन दुर्घटना से पूरा देश व्यथित है। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हो रही है और घायलों को जल्द स्वस्थ करने की दुआ की जा रही है। वहीं इस हादसे पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, बालासोर में जो हुआ उसे क्या कहें, क्या यह सिर्फ एक इंसानी भूल है या इससे कहीं अधिक, इस हादसे को लापरवाही माने या सिस्टम की खामी, बालासोर में जो कुछ हुआ उसे सुरक्षा में चूक कहें या फिर पूरे रेलवे तंत्र पर भारी दबाव का नतीजा। ग्राउंड जीरो से मिली खबरों और रेलवे सूत्रों के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डीरेलमेंट है। वहां पर दो मेन लाइन और दो लूप लाइन थी। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, वहीं वो डीरेल हुई और उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गया। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस का दूसरा हिस्सा यानी पिछला हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया। इससे हादसा काफी बड़ा हो गया और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक पहली नजर में अभी तक कोई सिग्नलिंग का फेल्योर देखने को नहीं मिला है, हालांकि इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। हादसे वाली जगह पर पहुंचे रेल मंत्री, बेहद दुखद घटना इसे बताया अश्विनी वैष्णव ने, घायलों को बचाने पर फोकस है उनकी ओर से कहा गया, घायलों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह हादसा स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने वहां मौजूद अफसरों को दिशा निर्देश दिए। ओडिशा के बालासोर में कल हुए इस हादसे के बाद रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस घटना की हाई लेवल जाँच होगी और इसके कारणों का पता लगाया जाएगा। कम्पेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था, एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे, किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा।